कुरुक्षेत्र में वीरवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, पंजाब के गवर्नर बरमारी लाल और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय आकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भ्रमण करेंगे। वे गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्राकृतिक खेती फार्म हाउस का सब गणमान्य अवलोकन करेंगे। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्राकृतिक खेती से प्रभावित होकर देश के गणमान्य जस मंत्रीगण तथा विदेशी डेलीगेशंस गुरुकुल कुरुक्षेत्र की प्राकृतिक खेती को देखने और किस प्रकार से है खेती की जाती है जानने पहुंचेंगे। प्राकृतिक खेती को लेकर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया जा रहा है जिसमें हजारों लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। आचार्य देवव्रत ने बताया कि ट्रेनिंग पूरे राष्ट्र में प्राकृतिक खेती को लेकर जन आंदोलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती सबसे सरल और कम खर्चीली खेती है। समय से इच्छा थी कि हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी देखें, बालकों का किस प्रकार से राष्ट्र के लिए निर्माण चल रहा है उसका भी अवलोकन करें और इसके साथ प्राकृतिक खेती का जो बहुत बड़ा अभियान यहाँ खेतों में चला जा रहा उसको भी देखें। इसी निमित्त कल वो हमारे बीच में पधारेंगे। आप सब से मेरा निवेदन है कि उसमें आप स्वयं भी पधार कर इस सारे व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। सर, प्राकृतिक खेती को लेकर लगातार लोग आ रहे हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब गवर्नर साहब भी आ रहे हैं, तमाम लोग भी आ रहे हैं, क्या लगता है कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जब इतने बड़े बड़े लोग और विशेष करके माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बीच बीच में अपने मंत्रियों को भी भेजते हैं, सांसदों को भी भेजते हैं और विदेशी डेलीगेशन भी यहाँ आते हैं। पिछले दिनों लंका से भी लोग आए, श्रीलंका से, नेपाल से आ रहे हैं और जापान और थाईलैंड के भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो देश के कोने कोने से भी लोग आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत बड़ी प्रेरणा जा रही है। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक स्थायी रूप से जो ट्रेनिंग सेंटर प्राकृतिक खेती का चल रहा है इससे हजारों लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी एक जन आंदोलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, आपने और आंकड़े भी सामने आए हैं, आंकड़े सामने बताए हैं जी, तो बाढ़ के समय जो आपने चीजें बताई उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैंने जो अभी आपको एक वीडियो भी दिखाया था, मैं 11-12 जुलाई को अपने गुरुकुल के फार्म पर गया तो इतनी बारिश थी, खेत भरे पड़े थे, लेकिन केचुआ इतना बाहर आया हुआ था कि मैं खेत में अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाया और उन केचुओं ने धरती में इतने छिद्र बना रखे थे कि अगले दिन गया तो पूरा पानी धरती माँ के पेट में चला गया। तो ये नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भगवान का बनाया हुआ है, इससे भूमिगत जल भी ऊपर आता है और इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है, प्राकृतिक खेती में उत्पादन भी कम नहीं होता। तो ये कृषि पद्धति किसानों के लिए निरापद और लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो। जैविक खेती के बारे में आपने बताया कि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में लोग फर्क नहीं कर पा रहे। अब ये विषय आप जानना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैविक खेती है, इसको भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से प्रमोट कर रही हैं, लेकिन उसके देश में मॉडल कहीं नहीं बन पाए। जैविक खेती में जिस केचुए का प्रयोग होता है भारत का है ही नहीं, ना वो मिट्टी खाता, वो विदेश से आयात किया हुआ केवल गोबर लेता है और जो वो वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हो वो जो बनाता है उसको बनाने में 1.5-2 महीना लगता है और उसको उलटना पुलटना छानना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती किसान की और वो प्रति एकड़ कम से कम 150 क्विंटल की जरूरत पड़ती है जो बहुत कॉस्टली पड़ता है। और इसी के साथ यदि जैविक खेती गोबर से की जाए तो 1 क्विंटल गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन होता है
और हमारी जो मुख्य फसल है भारत के खाद्यान्न भंडार को पूरा करने वाली।